प्यारा परचम ही पर। यू ले रहे हो बाबा जी, ले रहे हो, पकड़ के रखना है, पकड़ के, मजा आ रहा है हैं? बोलो वाओ पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माई चैनल शफकत व्लॉग्स। तो आज माशाल्लाह से 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है, और हम सब जो है आज़ादी मनाने निकले हुए हैं। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है, और इस वक्त हम जो आए हुए हैं फतेहपुर पार्क के अंदर। पकड़ो 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 जन्नत को, पकड़ो पकलो 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 पकलो। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो इधर ऐसे बोलो सामने, पाकिस्तान सही से बोलो जिंदाबाद, ऊंचा बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह से माहौल आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। अभी हम निकले थे थोड़ा सा बाहर आउटिंग के लिए, तो साथ क्योंकि जन्नत फातिमा तंग कर रही थी, तो इसको थोड़ा सा आउटिंग करवाने निकला हूँ। जन्नत कहती है मैंने फिर से मोटरसाइकिल चलानी है, तो चलो चलाओ शाबाश, आराम आराम से, आराम आराम से। वाओ जन्नत तो इतने अच्छे से बाइक चला रही है, चलाओ चलाओ आराम आराम से, मज़ा आ रहा है। इधर ऊपर देखो मेरी तरफ, ऊपर देखो मज़ा आ रहा है, चलो चलाओ चलाओ आराम आराम से, आराम आराम से। देखिए जी इतने अच्छे से बाइक चला रही है जन्नत फातिमा है। तो बेसिकली आज जो है ना 14 अगस्त का दिन था। पहले तो हम फतेहपुर एक पार्क गए हुए थे, वहाँ पर हम आउटिंग करने के लिए और इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय करने के लिए। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पर मैं व्लॉग नहीं बना सका। थोड़ा सा व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद फिर जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने व्लॉग बंद कर दिया। अभी हम घर वापस आए थे, तो जन्नत फातिमा कह रही थी जी हमने बाहर जाना है, वीडियो बनानी है। तो अभी ये मेरे साथ आई है, तभी देखिए आप कैसे वो खेल रही है, बाहर आकर एंजॉय कर रही है। हाँ जी कहाँ आए हो, कहाँ आए हो, बाय बाय करो, बाय बाय, ये नीचे कर दो ना कपड़े, नीचे कर दो, बोलो बाय बाय, बाय बाय, ऐसे हैंड से करो बाय बाय, वो ये नीचे मुँह से निकाल दो, मुँह से निकाल दो, बोले हैं बाय बाय, बोलो मैं पारी लग रही हूँ, बोलो पारी लग रही हूँ मैं, जोर से बोलो ना। कुको किधर है, इधर से कुको, अभी आवाज़ आई थी ना आपको कुको की, घर है, नहीं घर तो नहीं है, कुको उधर भी है, इस तरफ भी थी, कहाँ गई है कुको, किधर है कुको, कुको किधर है, पाकिस्तान जन्नत आप तो इतना प्यारे लग रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, ऊपर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो ना, इधर मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है, मम्मी है कहाँ पर है, वो असल में सामने जो है ना आपको नजर आ रहा होगा, वहाँ पर डंकी खड़ा हुआ है, तो उसको कह रही है जी मम्मी है, वो मम्मी नहीं है वो डंकी है। काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम इधर, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो मैं और मेरी बेटी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। वापसी भी अब रात होने वाली है, तो माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत भी हुई है माशाल्लाह से, और 14 अगस्त के दिन में बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, हर तरफ हमारे चारों तरफ जो है ना काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई है, और अब माहौल जो है ना काफ़ी ठंडा हो चुका है। और आप पीछे भी देख सकते हैं, इधर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, और चारों तरफ आपको जो है ना जो फसलात हैं, फील्ड्स हैं, वो आपको हरी भरी नज़र आ रही होंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये बारिश की वजह से, क्योंकि इनके ऊपर जो गर्द थी, जो मिट्टी थी, वो साफ़ हो चुकी है। अभी आप देखें क्या कर रहे हो आप, आप इंजॉय कर रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मज़ा आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा है, बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं यहाँ, नहीं यहाँ पर बटन नहीं दबाओ ना, आप बोलो, नहीं मैंने नहीं बैठना इधर बैठ के मैंने क्या करना है,
ये बिल्ला ने आपको आपको खा जाना है। उधर उधर आओ, उधर आओ, हम आपकी वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर। चलो वो खेत में, चलो आपकी वीडियो बनाता हूँ उधर। आराम आराम से, ध्यान से, ध्यान से, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी इधर, इधर आपकी वीडियो अच्छी आ रही है। थोड़ा सा पीछे हो जाए ना, थोड़ा मुंह से निकालो ना, फिंगर निकालो मुंह से। बैठना नहीं है इधर, इधर बैठना नहीं है ना, कपड़े गंदे हैं, गीला है। बारिश हुई है ना इसलिए गीला है। खड़े हो जाओ ना, गीला है फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे आपके। चापाश खड़े हो जाओ, वेरी गुड। इधर देखो मित्र, गीला है, गंदा भी है, गीला है। अच्छा बस थक गए हो, वापस चलें, चलें घर। चलो जी आप थक गए, पहले सबको बाय बाय करो, बोलो बाय बाय। मज़ा आया, पूछो मज़ा आया, सबसे पूछो ना मज़ा आया। बस चलें, थक गई हो किस। चलो शाबाश, बिठाऊँ आपको ऐसे। अभी स्टार्ट तो करने दो ना, स्विच ऑन करो। वो स्टार्ट हो गया, चलें। चलो चलो आहिस्ता से चलानी है आज, इसको मज़ा आ गया मोटरसाइकिल चलाने का। बार बार ये कह रही है मोटरसाइकिल चलाना है। अब चारों दोनों तरफ आप व्यू चेक करें माशाल्लाह से, रोड के इस तरफ भी और इस तरफ भी। और अभी बाइक चला रही है जन्नत फातिमा, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक हाथ मैंने वैसे इधर रखा हुआ है, लेकिन बेसिकली जो है ना रेस वाली साइड वो जन्नत फातिमा ने पकड़ी हुई है। तो व्यू माशाल्लाह चेक करें आप चारों तरफ। क्या देख रही हो हैं, क्या देख रही हो बताओ, क्या देख रही हो हैं, बोलो, नाराज हो गई हो? अच्छा जी, अभी जो है ना फाइनली जो आप पीछे रास्ता देख रहे हैं मेरे, तो इधर से मैं आ रहा था, तो पहले जो है ना मैं दूसरी तरफ से आया था, अब जो है रास्ता मैंने चेंज किया है। तो अभी जो है ना तो फातिमा नाराज़ हो गई है, बार बार कह रही है बाबा ये गंदा रास्ता है। एक्चुअली जो इस रास्ते में ना पीछे जगह जगह पर जो है ना गड़े थे और वहाँ पर पानी खड़ा हुआ था। यहाँ पर मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहूँगा कि हम जो है 14 अगस्त के हवाले से हमने काफ़ी जश्न वगैरह भी किया होगा, काफ़ी कुछ मनाया है हमने, इंडिपेंडेंस डे को कई तरह से मनाया है। लेकिन एक ज़रूरी बात कि हमने इस दिन जो है अपने बुज़ुर्गों की जो इन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी हैं उनको ज़रूर याद रखना चाहिए, और इस मुल्क की खातर इसकी हिफाजत के लिए जो है ना हमें दिन रात जो है ना मेहनत करनी चाहिए। और इस पर जो कोई अगर कोई मैली आँख से देखे तो उसका हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। मोटरसाइकिल चलाओ, चलाओ, क्या हुआ है, क्यों नहीं चल रही ओ, वो क्या, चलाओ ना आप, जोर लगाओ। मैंने बाइक स्टार्ट नहीं की, वैसे ही खड़ा हुआ, उसको क्या चलाओ, तो वो तो रेस दी जा रही है और कह रही नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही बाबा, ओ, नहीं चल रही, खराब हो गई है, आपने खराब कर दिया ना, अब घर कैसे जाएंगे? आ, ओ कैसे घर जाएंगे, आप कैसे जाएंगे? हो मम्मी भी चला गया, मम्मी भी चला गया, मोटरसाइकिल भी खराब हो गया, अब घर कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? अरे नहीं, नहीं जा सकेंगे। तो आज के दिन अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को आपने नहीं भूलना, उनको याद रखना है। और इस मुल्क को जिन लोगों की वजह से हमें ये वतन मिला है उनको अपनी दुआओं में आप याद रखें, उनको अपने हर बात में आपने याद रखना है। और उनका जो अज़म था, उनका जो जिस मकसद से उन्होंने इस वतन को उन्होंने पाया था, वो हमें पूरा करना है आगे। क्योंकि अब हमारा जो है ये फ़र्ज़ है कि हम सारे नौजवान बुज़ुर्ग बच्चे जितने भी हैं हम सब मिलकर इस मुल्क को कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ ले कर चलें। तो इंशाल्लाह हम सब यकजा होकर हर बात को भुलाकर, हर चीज़ को भुलाकर, हर जो है ना हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, फसाद है, जो भी हमारे दिलों में जो भी नफ़रतें हैं उसको भुलाकर यकजा होकर इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको इकट्ठा रखे, यकजा रखे और हमारे इस मुल्क को आबाद और शाद रखे। आमीन। सबको बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय, चलें अब चलते, पहले सबको बाय बाय करो, एक अप्पा भी कर दो सबको। चलें जी आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, खुश रहें अपने घरों में। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में ज़ुबान में रखे, खुश रखे और ढेरों जो है ना खुशियाँ अता फरमाए, हर मुसीबत आफत से आपको महफूज रखे। दुआओं में याद रखें मुझे भी। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।